रिया चक्रवर्ती और श्रीलंका के बीच कनेक्शन का एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ रहा है। रिया जो कि इल्जाम लगा रही थी कि सुशांत उनसे मिलने से पहले ही ड्रग्स लेते थे, वही रिया के खुद के ही पुराने काले चिट्ठे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि सुशांत नहीं बल्कि रिया खुद ही इसमें पहले से ही इन्वॉल्व थी। बता दें जहां एक बड़ा ड्रग नेक्सस है इंडिया श्रीलंका के बीच, वही रिया के श्रीलंका कसिनो से कनेक्शन का एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ रहा है। श्रीलंका में जहां कसिनो पार्टीज होस्ट किए जाते हैं, जिसमें कि रिया 2017 में ही डांस परफॉर्मेंस किया करती थी। रिया पहले से ही श्रीलंका के कसिनो पार्टी में नजर आती थी, जिसमें कि कई सारे बॉलीवुड स्टार्स हर साल जाते हैं। रिया के ऐसे कसिनो पार्टीज में परफॉर्मेंस करता देख एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो झूठे इल्जाम वो सुशांत पर लगा रही थी वो दरअसल खुद पे ही लागू होते हैं। और जहां अब एनसीबी भी श्रीलंका इंडिया के पीछे इस इल्लीगल काम और कैसिनोस तक के जरों तक पहुंचते हुए नजर आ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रिया के ऊपर और कई सारे सीआरपीसी सेक्शंस लगे, जिसके तहत और कड़ी सजा मिल सकती है उन्हें। तो आपका क्या है कहना इस पर कमेंट कर आप अपने थॉट्स हम तक जरूर पहुंचाएं, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।